गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैमिली कारवा। मैं शुभंगी, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फाइनली हमारा आज वो दिन आ गया है जिस दिन हम लोग करेंगे ओवरऑल हमारा गोवा ट्रिप का कितना खर्चा हुआ। और गोवा ट्रिप का जो खर्चा हुआ है मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड बताएंगे क्योंकि मैंने सिर्फ खर्चा करने का काम किया है। ट्रिप का ओवरऑल कितना खर्चा हुआ है वो बहुत ही कम से कम अमाउंट है और आपको भी सुन के बहुत हैरानी होगी कि इतने मेंबर्स इतने कम अमाउंट में 5 डेज की ट्रिप अरेंज कर सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहो ताकि आपको पता चले हमने ये ट्रिप कैसे अरेंज की है। सो इस प्रकार से हम लोग चाय पे चर्चा करेंगे कि हम लोगों ने गोवा की ट्रिप कैसे की है, ओवरऑल क्या खर्चा किया, कितना किया, सब कुछ उसके साथ चर्चा में डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली ये जो हमारी ट्रिप थी ना वो थी बजट फैमिली ट्रिप, 6 लोगों के साथ ट्रिप स्टार्ट किया था, हमारी खुद की गाड़ी थी। 6 लोग मतलब हम लोग कौन कौन थे पता है, हम दोनों थे प्रीति अमोल और हमारे 2 बच्चे आर्या और परी। इतने स्टार्ट किया ट्रैवल, सुबह 6 बजे हम लोग निकले थे। 6 बजे निकलने के बाद फिर हम जैसे निकले सुबह CNG वगैरह भर के हमारा वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ। और कोल्हापुर में हमने ब्रेकफास्ट किया अराउंड 11 o'clock के आसपास, अम्बोली घाट की तरफ, अम्बोली घाट में ही घाट स्टार्ट होने से पहले हमने लंच किया और लंच में खाया। तो उसका भी रेट इतना रिजनेबल था ना, होटल का बहुत ही रिजनेबल प्राइस में हम लोगों का लंच हुआ था उस दिन। कितना बिल आया था हमारा, 550 अराउंड, 700 800 अराउंड 800 मतलब 4 लोग और एक आर्या, 5 लोगों का इतने 800 रुपये में पूरा हमारा लंच, पेट भर के खाना खाया था हमने। को तकरीबन 7:30-8 बजे के आसपास रूम पे पहुँचे हुए। होटल भी अच्छा था, अच्छा मतलब मेरी डॉटर है ये तो सबसे ज़्यादा ट्रिप उसी ने एंजॉय किया है। वो बेड स्प्रिंग वाला था तो ऐसे वो दिन रात जंप ही कर रही थी उसके ऊपर। तो होटल जो था हमने ऑलरेडी टूर दिया है होटल का, उसमें मैंने टूर दिया है। हाँ, उसमें 2 BHK काइंड ऑफ था, उसमें 2 बेडरूम थे और 1 किचन था और फैसिलिटी अच्छी थी, बीच के एकदम नियर बाय था। तो इस प्रकार जो हमने बीच के नज़दीकी होटल था तो शाम तक पहुंच चुके थे। तो उस दिन का पहले दिन का खर्चा जो था अराउंड, अभी ट्रैवल हमारी ही खुद की गाड़ी है तो उसमें CNG और पेट्रोल से चलती है वही, और टोल 1400 के आसपास लगा है और 2000-2100 के आसपास उसका CNG और पेट्रोल का कॉस्ट पकड़ लीजिए, फिर खाना पीना वो 1000-1500 के आसपास आता है, वो पहले दिन का उस टाइप का खर्चा था। फिर नेक्स्ट डे कैसे स्टार्ट हुआ? नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है पता है क्या, हम लोगों ने हमारे साथ गैस और वो सब कैरी किया था ना, तो मॉर्निंग में हमें जो चाय वगैरह के लिए जो वेट करना पड़ता है होटल में, चाय चाहिए, नाश्ता चाहिए, है ना प्रीति? उसके लिए हमें वेट बिल्कुल नहीं करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं एक काम करती थी तो प्रीति दूसरा कर लेती थी, तब तक चाय बना लेती थी एक साइड में, मैं एक चाय होने के बाद मैं नाश्ता बना लेती थी और परी की वजह से, और वैसे हेल्प आप करते थे, मुझे पता है आपने ऐसा किया। हाँ, ये भी हेल्प करते थे मुझे, इन्होंने भी खाना बनाने में बहुत हेल्प की। एक्चुअली उस दिन हमने फिर नाश्ता वगैरह किया, दूसरे दिन नाश्ता हो गया, चाय वगैरह हो गया, फिर हम लोग हमारा प्लानिंग था बीच पे जाने का, क्योंकि पहले दिन हम बीच पे गए लेकिन अंधेरा था और अंधेरे की वजह से परी भी डर रही थी तो हमें वहाँ पे एंजॉय नहीं कर पाए, हम लोग होटल पे सीधा चले आए। और फिर हमने सोचा आज फर्स्ट डे है गोवा में तो अब क्या पहना है वहाँ पे जाके, तो हमने वहाँ पे पहना था शॉर्ट ड्रेस, है ना प्रीति? मैंने तो पहली बार लाइफ में शॉर्ट ड्रेस पहना था, मुझे बहुत शर्म आ रही थी लेकिन बीच पे जाने के बाद जो शर्म थी वो निकल गई, निकल गई क्योंकि सब वही थे पहनते। फिर कैसे बनी बीच? फिर बन गई बेशरम, शर्म छोड़ दी, शर्म छोड़ दी किसी ने, जो भी उसकी लास्ट शर्म थी ना उसने रूम पे ही छोड़ दी जब उसे पता चला कि अरे यहाँ पे वही पहनना पड़ता है क्योंकि सब वही पे पहनते। तो फिर हम लोग निकले वहाँ से, सीधे चले गए बीच पे, बीच हम लोग जहाँ पे रुके थे ना कलंगुट बीच, वहीं पे हमारा होटल था, बिग वॉक है होटल का नाम, बीच वॉक होटल था और हार्डली 10 मिनट का डिस्टेंस है वॉकिंग, तो हम लोग वहाँ पे कलंगुट बीच पे चले गए।
वहाँ पे जाने के बाद फिर हमने जो मजा किया वो एकदम नॉर्मल था। फिर पानी में देखो परी कैसे आवाज निकल रही है अलग अलग, वो भी उसे ना हंसती है ना तो उसे लगता है कुछ कॉमेडी हो रहा है तो वो भी हंसती है वैसे। तो फिर हम लोग वहाँ से गए बीच पे, और बीच पे फिर बहुत 2 घंटे हमने इतना मजा किया, इतना मजा किया, पानी में ही थे हम लोग, और पानी में उतना भीजा इतना भीजा कि कितना भीजा कम 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 इधर आओ चलो इधर आओ। सबसे मजा ना प्रीति ने किया क्योंकि बीच पे वो पहली बार गई है ना प्रीति, बीच भी उसने पहली बार देखा है। काय काय केलं प्रीति तू बीच वरती सांग बरं लवकर, उड्या मारल्या स्क्रीनशॉट मध्ये उड्या मारल्या, डान्स केला, फोटो काढले, डान्स नाही केला, नाही केला तर डान्स येत नाही प्रीतीला, डान्स नाही करत, आता डान्स शिकायचं ना तुम्ही, तिची मी कोच आहे तुझी डान्स काय नाही, तिने फक्त आहे ना बीच वरती पाण्यामध्ये कसं भिजता येईल आणि काय मजा करता येईल ना एवढं बघितलं, सगळं कॉन्सन्ट्रेशन तिचं फक्त याच्यावरती होतं की बस जेवढं मजा करता येईल ना आपल्याला तेवढी मजा करून घ्यायची, कारण की परत असं वाटायला नको की आपण बीच वरती आलेलो नाही आहे। देखो और या पे देखो क्या चालू आहे, क्या चालू आहे, ये देखो ये अदर साऊंड सिस्टीम आहे हमारा। फिर निकल गए हम टेम्पल के लिए, बहुत सारे मंदिर है अभी गोवा की दूसरी बाजू जो है वो अगर देखोगे तो बहुत सारे खूबसूरत बहुत बढ़िया से टेम्पल है गोवा में। आप ऐसा नहीं है कि गोवा मतलब बीचेस और वेस्टर्न कल्चर नहीं, ऐसा आगे भी है बहुत सारा है। अगर आप गोवा में जाते हो तो बीच के अलावा भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा वहाँ पे, इसलिए बहुत सारे प्लेस ना एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। आप देखो उसमें आपको पता चलेगा कि गोवा में क्या क्या देखने को है। गोवा में आपको देखने के लिए बीच छोड़ के मतलब बीच है, क्लब है, पब है, उसके बाद दारू है, सब कुछ है, उसके अलावा टेम्पल्स है, फॉरेस्ट एरिया बहुत बड़ा है, काजू और केसियो फार्म बहुत सारे हैं फार्म वहाँ पे, आपको चाहे तो आप दारू कैसे बनती मतलब काजू फेनी कैसे बनती वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जंगल में स्टे करना है तो वो भी कर सकते हो, वहाँ पे वर्धमान कुछ वो फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है वो भी है। अगर आप शांता दुर्गा टेम्पल में जाते हो तो वहाँ पे शॉर्ट्स अलाउड नहीं है, तो उतना एक चीज याद रखो क्योंकि वहाँ पे अंदर अलाउड नहीं करते। फिर हमारा जैसे ही वो दर्शन खत्म हुए फिर आ गए फिर हम पंजी की तरफ, और पंजी में जो हमने क्रूज पे एंजॉय किया है वो आप प्रीति से पूछो वो मजा ही कुछ अलग था। मुझे बहुत डर लग रहा था वो जैसे जैसे मूव हो रहा था ना, जैसे जैसे हम पानी के अंदर जा रहे थे ना, प्रीति बोल रही थी अरे नहीं नहीं, पहले क्या बोला उसने पता है, नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे ना बहुत ये हो रहा है, नहीं नहीं पहले डर तो बाद में, पहले बोल रही थी नहीं मेरा ये दुख रहा है वो दुख रहा है, क्योंकि डायरेक्टली नहीं बोला मुझे डर लगता है, मैंने फिर मैंने ऐसे दिमाग में किया अरे नहीं इसको डर लग रहा है इसके लिए ना वो बोल रही है मुझे पानी में नहीं आना, फिर मैंने उसको बोला थोड़ा सा कन्विंस किया कि अरे नहीं कुछ नहीं होता हम लोग जाएंगे, फिर वो आई हमारे साथ, और फिर जो वहाँ पे उसने भी मजा किया वो भी आप देखो। बचपन में थोड़ा सा बहुत ये किया था मैंने, लेकिन बाद में थोड़ा थोड़ा जैसे शादी हुई हस्बैंड को पसंद नहीं होता ना ऐसे लगता है हमें, लेकिन बाद में मुझे पता चला अरे मेरे हस्बैंड को सब कुछ पसंद है, फिर क्या मैं ऐसे वो ट्रेन कैसे सुसाट छूटती है वैसे छूट गए। मराठी में कहावत है वो भैंस रहते ना उसका पिलो रहता है उसे हम वगार बोलते, उसके मार नोज में एयर चली गई ना तो रुकती ही नहीं पूरा दिन दौड़ती रहती इतना सुसाट चलती है। वैसे मेरे साथ कुछ हुआ है, अगर हस्बैंड को पसंद है तो बस कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, हस्बैंड आपके साथ है तो बस खत्म सब, और मेरे साथ वैसे ही हुआ है, मेरे हस्बैंड ऑल टाइम ऑल सिचुएशन ऑल सारे कंडीशन में मेरे साथ रहते हैं। क्रूज का पर पर्सन 500 कुछ था मतलब 2000 के आसपास, ऑन एन एवरेज वही है 500-600 या फिर 400 से स्टार्ट होता है, डिपेंड ऑन द क्रूज साइज और कौन सा है इसका है, बट आप एक एक घंटा सवा घंटे का जो ट्रिप होता है पूरे इसमें अंदर लेके जाते हैं बैक वाटर में टिल समुद्र के आसपास, और वहाँ से आपको रिटर्न लाते हैं, उसमें आपको फिर वहाँ पे लोकल कल्चर दिखाया जाता है जिसमें कि वो गोवन फोक डांस वगैरह होता है, फिर डीजे बजता है, कुछ फंक्शंस जैसे कि कपल्स डांस होता है, किड्स डांस होता है, वो सब होता है, फिर उसके ऊपर बाद में डेक पे जाके आप गो डैडी या फिर और कुछ है वहाँ पे उनका फोटो क्या बोलते हैं उसको फोटोग्राफी वीडियो निकाल सकते हो, ऊपर जाके वहाँ पे क्रूज पे आपको सब कुछ करने को मिलेगा, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ डांस करने को मिलता है।
जो घर पे नाचते नहीं ना उनको वहाँ पे जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं होता, कैसे भी नाचो कितना भी नाचो कोई टोकने वाला नहीं होता। फिर उसके बाद हम उस खत्म करके घर आ गए। फिर हम तीसरे दिन रेस होके 11:30 बजे बाहर निकले और हम फिर चले वादा फोर्ट की तरफ। और वो मैडम ने कवर किया, मैं तो बच्चों को संभाल रहा था, ये मेरे ये सैंपल सोया था गाड़ी में ये वाला। जैसे हम लोग वहाँ पे पहुँचे ना, पहुँचते थोड़ा सा हमें लेट ही हुआ था, तो बहुत धूप हो गई थी, तो एग्वाडा फोर्ट हमें कवर करने में मैक्सिमम 1 घंटा गया। हम लोग निकले आगे की ओर जहाँ पे सिंगेरियन बीच है, वहाँ पे सिंगेरियन बीच पे हम लोग आए। इसका डिस्टेंस जो है हार्डली 5 मिनट का डिस्टेंस है एग्वाडा फोर्ट और सिंगेरियन बीच। जब हम लोग वहाँ पे सिंगेरियन बीच पे गए थे ना, तो मुझे ऐसा लगता है हमें ना एक चीज़ याद रखनी चाहिए, अगर हम बच्चे साथ में लेके जाते हैं तो बच्चों के शूज़, उनका कुछ भी खाने पीने की चीज़ें है तो वो अपने खुद के साथ रखे, बच्चों के पास मना दे। क्योंकि क्या हुआ, हम लोग वहाँ पे जब गए थे ना, तो एक बच्चे के पैर में जो शूज़ थे ना वो पानी के साथ बह गए अंदर, और वो बच्चा वो पकड़ने के लिए अंदर गया, इतना अंदर गया कि वो मतलब अंदर जाने ही वाला था, उसके पापा ने उसको खींच के लाया। ऐसे भी इंसिडेंट होते हैं, तो आपको इतना केयर करना चाहिए कि अगर आपके साथ बच्चे होते हैं तो आपको उनका केयर करना चाहिए, उनको पानी से बचाना चाहिए। और स्विमिंग पूल जो जहाँ पे हमने स्टे किया ना, वहाँ पे स्विमिंग पूल था लेकिन कुछ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वहाँ से जाना पड़ता था रूम से, तो वो हमारे लिए कुछ ईजी नहीं था। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग 3 दिन का हमारा ये ख़त्म होता है तो हम लोग दूसरी होटल में ऐसा ढूंढेंगे जहाँ पे हमें स्विमिंग पूल मिलेगा। तो हमने कंटिन्यू किया दूसरे होटल में, वहाँ पे फिर हमने वहाँ पे होटल देखे और हाँ। देखने के बाद फाइनल करने के बाद हम फिर अंजुना बीच की तरफ चले गए। फिर उसके बाद वो बिरयानी लेके हम अंजुना बीच के वो बड़े बड़े रॉक्स है, रॉक पे बैठ के सनसेट देखते हुए बिरयानी खाए थे। उस टाइम वहाँ का जो व्यू था ना बहुत ही अच्छा था, मतलब ऐसे हमें बहुत कम होता है कि सनसेट हो रहा है और हम मस्त बीच पे एंजॉय कर रहे हैं, मस्त खा रहे हैं। इन्होंने मुझे पानी में फेंका भी, मेरे साथ धोखा किया इन्होंने, मुझे बोला नहीं नहीं हाथ छोड़ो, मैं हम ऐसे ही फोटो खींचेंगे, बिंदास हाथ छोड़ो, और मैंने हाथ छोड़ दिया, नीचे डाल दिया। और फिर वहाँ से हम लोग सीधा निकले वापस हमारे रूम की ओर, और इस तरह से हमारा 3rd डे कम्प्लीट हुआ वहाँ पे। 3rd ना, इस तरह से हमारा 3rd डे रूम हमने मस्त एंजॉय किया और रूम पे आने के बाद मस्त सो गए और अमूल एडिटिंग कर रहा था। हम 4th डे पे मॉर्निंग उठ के हमें तो चेकआउट करना था, तो फिर ब्रेकफास्ट बनाया मेरी बीवी ने और प्रीति ने भी बनाया, मैगी बनाया था हमने। फिर मैगी खा के लगेज पूरा उठा के गाड़ी में डाल के चेकआउट ही किया, सुबह जल्दी किया था। फिर क्या किया, फिर वहाँ से कलंगुट से बागा बीच पे घूमने गए हम, और 50 रुपए का एक ग्लास दिया था, ऐसे 5 ग्लास हमने लिए थे 5 लोगों के लिए, 250 में 5 ग्लास नींबू शरबत कौन पीता है। 10 रुपए के नींबू में इतने लोगों का शरबत हो जाता है, 10 रुपए की शक्कर और 10 रुपए का नींबू लाएंगे तो। अरे आप गोवा गए थे? हाँ गोवा गए थे, गोवा तभी मुझे लगा कि अरे नहीं हम लोग सच में गोवा आए हैं। हमने जो नेक्स्ट होटल लिया था उसका टूर नहीं दिया मैंने, वो जो था वो था नाजरी रिसोर्ट, उनके बागा बीच पे भी बहुत बड़ा होटल है। और ये जो था ये कहाँ पे था, मापुसा है ना, मापुसा के हाँ मापुसा के बाद, हाँ मापुसा के बाद में थोड़ा सा मापुसा के नज़दीक है वो। फिर जैसे हमने चेक इन किया नए रूम पे, आर्या ने स्विमिंग के कपड़े पहन लिए, एक बार उसने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया, फिर वो नीचे जो गई वो 3-3.5 घंटे पानी में सब ठीक है। आर्या को तैरना आता था, मुझे आता था, हमारे पास कुछ भैंस थी जो पानी में डूबी बाहर ही नहीं निकली। मैं ना लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं स्विमिंग पूल में उतरी थी, और उतरने के बाद मुझे ना पहले मुझे डर लग रहा था, एक्चुअली मैं नहीं जा रही थी, प्रीति ने बोला नहीं नहीं आप आ जाओ कुछ नहीं होगा। फिर मैंने सोचा अरे इसको भी नहीं आता, ये गई है तो फिर मैं तो जा ही सकती हूँ, मैंने ऐसा सोचा। और फिर मैं चली गई अंदर, और फिर क्या बताऊँ मैं आपको, अगर मैं अंदर गई ना उसके बाद मुझे ये सब मुझे बोल रहे थे बाहर आओ बाहर आओ, मैंने बोला आप सब जाओ, मैं पानी में ही थी कंप्लीट 4 घंटे में पानी में थी, आप सोचो। तकरीबन 3.5 आवर्स के बाद बाहर निकले सब, लेकिन ये हमारी बफेलो पानी में जो जाके बैठी
हमारे बाद भी एक डेढ़ घंटा पानी में बफेलो बोला ही है तो उसको पता है ना भैंस को पानी में बहुत अच्छा लगता है तो ये भी एक्सेप्ट कर लो ना, फिर क्यों बुलाना उसको बाहर, है ना। तो फिर हमने सोचा था कि हम आगे जाएंगे घूमने और इसको इसको वहीं पे छोड़ देंगे। मैं कैसे वहीं पे रहूंगी, ऐसे नहीं होता ना, मेरे अलावा आप जा ही नहीं सकते मेरे सिवा। जैसे अच्छा चिकित्सा हमारे साथ हुए गोव में, हमें खाना था हमारा मेरा फेवरेट होटल, जहाँ पे भी हम तकरीबन साल में दो बार मैं जाता हूँ और खाना मैं वहीं पे खाता हूँ। वहाँ पे स्पेशल गोवन जिसमें कि वो रुक्मिणी कुछ था ना होटल का नाम, रुक्मिणी होटल का नाम था। तो उस होटल पे वहाँ पे स्पेशल मिलता है गोवन थाली, जिसमें कि वो मसाला कौन सा होता है, त्रिफला, त्रिफला सब्जी में डालते हैं। तो वो थाली खाने के लिए मैं गया था वहाँ पे स्पेशल। उसके बाद फिर हम बीच पे गए, तो फिर वहाँ पे हमने तकरीबन 3-4 घंटे स्पेंड किए। अब वहाँ पे भी सनसेट देखा बच्चों के साथ, इसको ड्रेस लिया था, बहुत सारे रील्स निकाले, बहुत सारे फोटो हुए, गोवा स्पेशल वेस्टर्न ड्रेस लिया था इसके लिए बच्चे के लिए, उसके साथ बहुत सारे रील फोटोज वगैरह निकाले। तो इस प्रकार हमारा वो 4 डे वहाँ पे अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। तो तकरीबन अगर हमारा ये ट्रिप का खर्चा देखोगे तो अगर आप कैलकुलेट करें, अभी हमारी जो व्हीकल 7 सीटर है तो उसमें हम ऑलरेडी CNG है और पेट्रोल पे चलती है, तो एक अराउंड 5000 के आसपास उसका CNG और पेट्रोल का खर्चा आएगा आने जाने का। ये 800 रुपये के आसपास टोल लगते हैं, वो टोल उतने लगेंगे। और हमारा रूम का जो था वो 5 दिन का अराउंड 9800 मतलब अराउंड 10,000 है, और 6,000 के आसपास फूड पे, और वो क्रूज के 2,000, ऐसा मिला के तकरीबन एक अंडर 25,000 के हमारा पूरा 5 डेज का ट्रिप कंप्लीट हो चुका है। खर्चा हमारा इसलिए थोड़ा कम हुआ कि हमारे पास सब कुछ है, कैंपिंग का पूरा सेटअप है गाड़ी में, किचन है, गैस है, उसके बाद वो पोर्टेबल स्टोव है, चाहे तो हमारे पास तो कैंपिंग का भी वो टेंट भी है, चेयर्स है, सब कुछ है गाड़ी में, तो वो हमारा वो मैनेज हो जाता है खाने पीने का। फिर भी हमने 2-3 बार ही रूम पे खाया होगा, मैक्सिमम हमने होटल में ही खाया क्योंकि घूमने गए थे और थोड़ा बच्चे थे तो बनाने के लिए टाइम भी नहीं मिलता था, बट मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट या फिर दोपहर का लंच बिंच हमने बनाया मैक्सिमम टाइम पे। तो इस हिसाब सबका कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड एक 23-25,000 के आसपास पूरा हमारा 5 दिन का फैमिली ट्रिप खुद की गाड़ी लेके जाके कंप्लीट हो रहा है। तो लगता है बजट के अंदर ही हो गया, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि पूरा इकोनॉमिकल ट्रिप है। सो इस प्रकार हमारा गोवा का ट्रिप और उसका ओवरऑल जो भी खर्चा वगैरह है, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब मैंने आपको शेयर किया है। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा देखो और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, और वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी ऐसे अफोर्डेबल ट्रिप कर सके। सो तब तक वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो।